उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस को एक माह पूर्व एक स्कूल से चोरी के संबंध में कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में 6 नवंबर को एक इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश निर्देश पर बनाई गई स्वाट टीम के साथ टीम ने कार्रवाई करते हुए देर रात्रि में किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 16 लोगों को थाना क्षेत्र के महमदपुर नहर की पुलिया से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली तथा इनके कब्जे से चोरी किया गया पंखे, बैटरी, इन्वर्टर, पिकअप बोलेरो एवं घटना में प्रयुक्त होने वाली एक छोटा हाथी के साथ अवैध असलाह भी बरामद कर ली। एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि थाना हाफिजपुर पुलिस ने स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार सहित चोरी का काफी सामान बरामद किया है तथा पूछताछ में चोरों ने अभी तक जनपद में 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की है। अन्य जनपद के आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये पिछले माह हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में एक चोरी हुई थी। चोरी में काफ़ी सामान गया हुआ था, तो निरंतर टीम प्रयास कर रही थी गैंग को पकड़ने में। उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी का सामान जैसे कि कंप्यूटर बरामद हुआ है, सीपीयू बरामद हुआ, पंखे बरामद हुए, लोहे का सामान बरामद हुआ है, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कुछ हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। और ये रात में जो थोड़े मकान या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर प्रतिष्ठान थोड़े रिमोट एरिया में पड़ते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और सुनियोजित तरीके से ये चोरी अंजाम। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।